नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक लवर बाय अजय में। अशोक लेलैंड आज हमारे पास गाड़ी रेडी हो चुकी थी, तो मैं आज आपको इस गाड़ी का जो है फुल रिव्यू करवाने वाला हूं। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें, फुल फ्रंट है जो स्टील के साथ तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टूल से लेके यहाँ पे 5 इंच गोले तक फुल है जो फ्रंट स्टील के साथ तैयार किया गया है। हैवी हैंडमेड हैंडल लगाए गए हैं, डबल आई गेस का काम, वाइपर का काम देख सकते हो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से योग किया गया है। यहाँ पे आप लाइटिंग का काम देख सकते हो, डिजाइनिंग का काम देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको गुड्स का ये की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ऑल इंडिया परमिट की बैजिंग। और यहीं से हम शो के बारे में बात करें, बैक एंड येलो एंड प्रोवाइडेड ग्रीन कलर का जो है मेटेलिक पेंट लगाया गया जो गाड़ी को 4 चांद लगाता है। आप गाड़ी देख सकते हो बहुत ही अच्छी लुक जो है इस गाड़ी की दी गई है। यहाँ पे आपको बैपर पे देख सकते हो हैवी फुट स्टैप की विजिबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आप पैरिट ग्रीन कलर देख सकते हो कितनी अच्छी जो है चमक मार रहा है। गोल्डन कलर देख सकते हो, चाहे वो ब्लैक कलर है वो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से काम किया गया। लाइटिंग का काम देख सकते हो, ऊपर की तरफ आपको लाइटिंग की विजिबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको खंडे पे देख सकते हो और यहाँ पे आपको डबल हेडलाइट्स के थ्रो, इंडिकेटर्स का थ्रो और यहाँ पे इंजन की जगह पे भी जहाँ पे रेडिएटर आता है ना वहाँ पे हमने ये लाइटिंग का काम किया है। और यहीं पे हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मैं आपको साइड दिखाता हूँ। टूल से लेके 5 इंच गोले तक हाफ स्टील का जो है इस गाड़ी में काम किया गया है। नीचे की तरफ आपको जेड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। हैवी हैंडमेड हैंडल लगाए गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स में देख सकते हो, खिड़की के ऊपर भी लगा के दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको खंडे पे भी विजिबिलिटी मिलेगी और यहाँ पे आप एल्यूमिनियम के फ्रेम का साथ जो है शीशा देख सकते हो, जहाँ पे हैवी शीशे का काम किया गया उसमें स्टील के पाइप्स भी लगा के दिए गए हैं। हैंडमेड हैंडल लगाए गए हैं। पीछे की तरफ आपको कैबिन में सीडी प्लस जो है बॉडी के साथ सीडी देखने को मिल जाएगी। गोल्डन एंड ब्लैक और पैरेट ग्रीन कलर का जो है आपको कम्बिनेशन करके दिया गया है। यहाँ पे 4 इंची हैवी महाराजा गोला देखने को मिल जाएगा। चेक प्लेट देख सकते हो, पूरी हैवी जो है चेक प्लेट लगाई है। फुट स्टैप की विजिबिलिटी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, प्लस आपको ये यहाँ पे लाइटिंग का काम मिल जाएगा। ये दिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से आपको फुट स्टैप लगा के दिया गया और ये कंपनी की तरफ से आपको फुट स्टैप देखने को मिल जाएगा। कैबिन का काम है ये बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से कैबिन का काम किया गया। यहीं पे हम बॉडी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे और हैवी तरीके से इस बॉडी का जो काम किया गया। सबसे पहले बॉडी और कैबिन के ज्वाइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग के साथ जो काम किया गया। 3 डेढ़ के पाइप की हैवी सीढ़ी लगाई गई है। इतना हैवी गाड़ी जो कभी नहीं आपने बनता हुआ देखा होगा, जो हमारे पास ये गिल ट्रक बॉडी बिल्डर की तरफ से बन के जा रही है। यहाँ पे आप मरगार्ड्स देख सकते हो, व्हील्स में व्हील कप का काम किया गया है। यहाँ पे आगे की तरफ भी आपको व्हील कप देखने को मिल जाएगा। पेंटिंग का काम देख सकते हो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से पेंटिंग का काम किया गया है। एडब्लू टैंक की सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको जाला देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग का काम आप देख सकते हो आगे की तरफ सेंटर में और पीछे की तरफ आपको यह लाइटिंग का काम देखने को मिल जाए। हैवी यहाँ पे आप सीडी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से इस गाड़ी का जो है काम किया गया। यहाँ पे आप देखो इंडियन फ्लैग की आपको क्रॉसिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप डिजाइन देख सकते हो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से डिजाइनिंग का काम किया गया है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो, दिखाता हूँ, 4 फुट की मोटी पत्ती लगाई है, 3 पत्ती जो लंबी बिछाई गई है, ताजो फर्श वगैरह झुके ना, 5 mm का फर्श फिर उसका जो ऊपर लगाया गया। यू क्लैंपिंग का काम आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी व्हील्स में व्हील कप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहीं पे हम मड फ्लैप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मड फ्लैप देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ चाहे वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यह यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग का काम देखने को मिल जाएगा। फट्टे कोई चोरी वगैरह ना कर सके, इसलिए हमने ड्राइवर साइड से ट्रैक्टर साइड तक जो जाल लगाया है ताकि कोई फट्टे वगैरह चोरी ना कर पाए। हैवी यहाँ पे आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी सामान वगैरह रखना है तो आप आसानी तरीके से रख सकते हो। देखो चाहे वो चाहे जूड़िया वगैरह की बाल्टी क्यों ना डालनी है, कोई भी काम आपने करना हो तो वो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। रोड डालने की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। जैक वगैरह रखने की आपको यहाँ पे अंदर की तरफ विजिबिलिटी मिल जाएगी। पार्किंग लाइट्स जैसे मैंने बोला था पीछे की तरफ सेंटर में और आगे की तरफ आपको यहाँ पार्किंग लाइट्स एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे पीछे वाला जो सा बैक बीम है ना, आप बैक बीम के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो टोटली इसको ज्वाइंट किया है। अगर पीछे से कोई टक्कर वगैरह लगती है तो यहाँ पे गाड़ी को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हमने जो यहाँ पे चैनल वगैरह का हैवी काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो
बहुत ही अच्छे और मजबूती तरीके से बिल्ड ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से काम किया जा रहा है। यहीं पे हम गाड़ी के बैक लुक के बारे में बात करें तो बैक का काम है जो सा बहुत ही हैवी तरीके से बैक का काम किया गया। यहाँ पे आपको 45 इंच का डाला देखने को मिल जाएगा, 2 इंची एंगल स्ट्रक्चर के साथ यह डाला तैयार किया गया। ऊपर में आपको उसके डाले के ऊपर हैवी पत्ती लगाई गई है, डबल जगह जो है संकल का काम किया गया। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की हाइट है जो सी काफी ऊपर की तरफ 45 इंच का डाला लगाया गया। यहाँ पे आपको संगल डालने की ऑप्शन मिल जाएगी और उसके ऊपर भी आपको संगल डालने की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 2 इंच एंगल स्ट्रक्चर के साथ डाला देखने को मिल जाएगा टोटली, और साइड में जो सा काम किया गया 2.5 इंच एंगल के साथ काम किया गया। यहाँ पे 15 इंच का ये बीम देखने को मिल जाएगा, 9 इंच का बीम ये लगाया गया और यहाँ पे 6 इंच का चोर डाला लगाया गया। इसमें आप डबलिंग का काम देख सकते हो साइड में, नीचे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो 3 बोल्ट्स के साथ हमने इस गाड़ी का काम किया। सेंटर में देख सकते हो पूरा ये नीचे तक डबलिंग का काम किया गया। यहीं पे आप साइड में देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो बत्ते तक जो है डबलिंग का काम किया गया। फुल हैवी जो पीछे का बैक का काम किया गया, 5 mm की हैवी है, चेकलेट चदर लगाई गई, यूज डिप लाइट की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला यहाँ पे इसकी बैजिंग मिल जाएगी। सेंसर देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से कवर करके यहाँ पे सेंसर लगाए हुए हैं। कैमरा देख सकते हो बैक कैमरा यहाँ पे लगाया गया है। LED की विजिबिलिटी के लिए CNC कट वाली जाली लगाई गई। यहाँ पे बैक के डंडे पे भी डिजाइनिंग का काम किया जाएगा, अभी रेडियम का काम चल रहा है, साथ में ऊपर की तरफ देख सकते हो पेंटिंग का काम भी चल रहा था। तो हमने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, मैंने सोचा कि अभी टाइम है हमारे पास तो वीडियो बनानी शुरू करें। यहाँ पे आपको CNC कट वाली जाली देखने को मिल जाएगी, एडजस्टेबल जाली लगाई गई है। यहीं पे हम कनेक्टर साइड के बारे में बात करें, जैसे ड्राइवर साइड काम किया गया वैसे ही यहाँ पे आप कनेक्टर साइड देख सकते हो, जाला देख सकते हो 3M रेडियम टेप की गई है, फट्टा बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे की तरफ जाला लगाया गया ताकि कोई फट्टे वगैरह चोरी ना कर पाए। यहाँ पे हमने जाल का काम किया गया, यहाँ पे फट्टा बॉक्स, यहाँ पे इसकी कुंडी वगैरह वो यहाँ पे आपको लगा के दी गई है। ये सभी चीजें आपको बिल्ड ट्रक बॉडी बिल्डर समाना की तरफ से मिल जाएगी। मर्च फ्लैप देख सकते हो, हैवी मर्च फ्लैप लगाए गए हैं, किनारी का काम देख सकते हो, व्हील्स कैप का अभी पीछे की तरफ काम बाकी है, आगे की तरफ यह व्हील्स कैप लग चुके हैं। ऊपर की तरफ आपको पाइप टांगने की विजिबिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप हैवी सीढ़ियों का काम देख सकते हो, बत्ते वगैरह खोलने के लिए सहारों का भी काम आते हैं, अगर आपने टायर वगैरह खोले तो भी आप कोई यहाँ पे काम ले सकते हो। यहाँ पे आप डीजल टैंक की सेफ्टी के लिए जाला देख सकते हो, न्यू से न्यू लुक में जो गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से जाला लगाया जा रहा है। स्पेयर खिड़की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, इसका आपको दिखाता हूँ, गिट्टी बालू उतारने के लिए ये कवर लगाया गया। अगर जैसे आप कोई गिट्टी या बालू उतारते हो तो यह डीजल टैंक की तरफ नहीं जाएगा, वो सीधा आगे की तरफ जो टिलेट हो जाएगा। और अंदर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 mm का हैवी आपको फर्श देखने को मिल जाएगा, स्पेयर पाइप CD और स्कंजा जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। पीछे में आप बैक में देख सकते हो 3 चैनल की हैवी स्पोर्ट्स लगाई गई है, पत्ती का काम देख सकते, क्रॉस का काम साथ में किया गया है, हैवी पीछे में बैक में सीढ़ियां दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पैर है वहां पे ना उसके नट बोल्टिंग किए गए, हैवी नट बोल्टिंग नीचे से ज्वाइंट करके बत्ते के साथ किए गए, उसको भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से कवर किया गया। यहाँ पे आप चदर देख सकते हो पीछे से बेंड करके लगाई है ताकि पानी वगैरह लीकेज ना करे, और वाटरप्रूफ काम आपको यह बिल्ड ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से मिल जाए। और आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप पावर कट देख सकते हो, यहाँ पे बैटरों की सेफ्टी के लिए हमने ये ढक्कन लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो लंबी चाबी वाला लॉक का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई खोल ना पाए या बैटरी वगैरह आपके चोरी ना हो। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से ये काम किया गया। यहाँ पे आप एक बार गाड़ी की झलक देख सकते हो, टोटली जो सा काम है बहुत ही अच्छे और हैवी तरीके से काम किया गया। अगर आपने भी कोई गाड़ी बनवाने तो गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स के साथ संपर्क करो। यहीं पे हम कैबिन के अंदर के बारे में बात करें तो मैं कैबिन के अंदर से दिखाता हूँ आपको, यहीं पे हम कैबिन के अंदर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 3D कैबिन अंदर से देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग का काम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से लाइटिंग का काम किया गया है। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 10 इंची स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, पंखा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सभी खिड़कियों पे आपको पर्दे वगैरह देखने को मिल जाएगा, इंस्पेक्टर लॉक, रेलवे लॉक, लंबी चाबी वाला लॉक, टिचकनी, ये सभी काम आपको यहाँ गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से मिल जाएंगे। इस समय हमारे कारीगर लग रहे हैं शीट्स वगैरह रखने के लिए, तो मेरे पास टाइम जो है बचा था तो मैं उसमें वीडियो एडजस्ट कर लेता हूँ। यहीं पे हम बैक के बारे में बात करें
तो यहाँ पे आपको बैक में ट्राले का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, पंखा, कूलर, और यहाँ पे आप लाइटिंग का काम जो है सभी जो काम गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सामने की तरफ एलईडी बॉक्स, बाबा जी का मंदिर, सनवाइजर की तौर पे मिरर, जालर का डिज़ाइन और लॉक्स वाले जो है यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, सभी में लॉक्स का काम किया गया। यहाँ पे आपको दिखा दो, यहाँ पे आपको सभी बॉक्स में और लॉक्स का काम देखने को मिल जाएगा। अपना सामान आप इजीली जो है रखना चाहते हो तो रख सकते हो। पीछे में आप बैक में देख सकते हो शॉकर सिस्टम वाला आपको ढक्कन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉकर सिस्टम वाला आपको यह ढक्कन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सामान वगैरह रखना है तो आप इजीली रख सकते हो। अगर आपने भी कोई गाड़ी बनवानी है ऐसी तो गिल ट्रक बॉडी बिल्डर के साथ संपर्क करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ग्राउंड लेवल की वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।